नतीजों के बाद मायावती का पहला बयान प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया गया बयान, मुस्लिमों से नाराज नजर आई है मायावती, आगे मुस्लिमों को सोच समझ कर मौका देंगे, मुस्लिम बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पाए ये उनका कहना है। परिणामों की समीक्षा करेंगे मायावती की ओर से कहा गया, बड़े फैसले लेंगी बीएसपी, मायावती ने यह भी कहा है। तो लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। अलाउद्दीन, एक तरफ तो सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, सपा के साथ बसपा इस बार नहीं थी, और मायावती की बात करें तो मायावती भी नाराज यहां पर नजर आ रही है मुस्लिम समाज से खास तौर पर, कि लगता है कि मुस्लिम बसपा को नहीं समझ पाए, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, साफ तौर से मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ते हुए मायावती जी ने कहा है कि जो पूरा रिजल्ट आया है मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को नहीं समझ पाया, और अगली बार जब भी टिकट बंटवारे का मामला होगा बहुत सोच समझ के उनको मौका दिया जाएगा। साफ तौर से 2019 की जब बात करें, जब एक कोलिशन बड़ा बना था और कहा जा रहा था कि देश का सबसे बड़ा कोलिशन है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, और ये भी कहा जा रहा था कि इस गठबंधन के बाद कम से कम 2019 में शानदार प्रदर्शन सपा और बसपा करेंगी, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया। आपको याद होगा जब पहली बैठक हुई थी 2019 में तो साफ तौर से मायावती ने आरोप ये लगाया था कि समाजवादी पार्टी ने अपना वोट पूरा शिफ्ट नहीं करवाया बीएसपी को, जबकि बीएसपी ने अपना सारा वोट शिफ्ट करवा दिया समाजवादी पार्टी को। तो ऐसे में हार का ठीकरा उस वक्त समाजवादी पार्टी पर फोड़ा गया था, और इस बार मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर के एक एक्स पर पोस्ट जारी की गई है, एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई मायावती जी की तरफ से, और साफ तौर से कहा गया है कि मुसलमानों को अब जब भी मौका देने की बात आएगी तो वो सोच समझ के मौका देंगी। तो ऐसे में बात साफ नजर आ रही है कि नाराजगी उनकी मुसलमानों को लेकर के है, और ये बात सच भी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफी टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिया था, लेकिन प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो ये बात भी अब देखने वाली होगी कि क्या आने वाले दिनों पर इस बात पर अमल होगा, लेकिन क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके तरफ से बात कही जा रही थी कि तमाम लोगों को या तमाम वर्ग, तमाम जाति बिरादरी के लोगों को लेकर चला जाएगा, तो ऐसे में एक बड़े वर्ग जिस पर तमाम तरह से दावा ठोका जाता रहा है 2007 की जब सरकार बनी थी, तो ये बात कही जाती रही है कि मुसलमान, दलित और ब्राह्मण ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई थी। तो ऐसे में क्या अब उन तमाम बयानों से अब वो पीछे हो रही है, क्या एक बार फिर से जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट न शिफ्ट कराने पर एक आरोप लगाया गया था, तो क्या आरोपों पर ही ये कहा जाता रहा कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ ना आने का एक मलाल भी क्या मायावती के मन में अब नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यह बयान उन्होंने अब दिया? देखिए, साफ तौर से राजनीति में कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप सोच समझ करके लगाए जाते हैं, और ये कोशिश की जाती है कि जो उनका अपना निजी वोट बैंक है वो कम से कम डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जब चुनाव के बाद, चुनाव तो हो चुके हैं, डेटा भी इलेक्शन कमीशन का आ गया है, जब बहुत सूक्ष्म स्तर तक और ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी तो मुसलमानों के साथ साथ ये बात भी सच पाई जाएगी कि बहुत सारी जगहों पर दलित वोट भी शिफ्ट हुआ है, तो क्या ये आरोप उन पर भी लगाए जाएंगे, ये भी एक सवाल निकल करके सामने आने वाला है। तो ऐसे में वोट फीसद न सिर्फ घटा है बहुजन समाज पार्टी का, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सीटों की तादाद भी कम आई है, तो ऐसे में उनको वोट नहीं मिला तो इसलिए चीजें रिजल्ट में नहीं तब्दील हुई हैं। तो क्या जिस तरह से कई सारी सीटों पर जिस तरह से ट्रेंड हुआ है, ये दावा किया गया है कि संविधान के बचाने के नाम पर और संविधान का जो मुद्दा उठाया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसका यह रिजल्ट उनके लिए बेहतर रहा है, तो ऐसे में क्या दलित समाज के लोग कम से कम 18 से 28 के आयु वर्ग के बीच में, खासतौर से जो BS4 एक बनाया था कांशीराम जी के जमाने में जिसमें सरकारी नौकरियों के लोग शामिल रहते थे, वो अपने समाज के लोगों को जो है कहीं ना कहीं जागरूक करते थे, ये भी कहा जा रहा है कि BS4 के लोग भी भारी तादाद में समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, भारी तादाद में जो पुराने दिनों में समाजवादी पार्टी में नेता है जो है, जैसे लालजी वर्मा की बात कर ले आप, रामचल राजभर की बात कर ले, जो है दूसरे आरएस कुशवाहा की बात कर ले, तो क्या इन नेताओं के आने और जाने से भी फर्क पड़ेगा? तो ऐसे में समीक्षाओं की कई सारी वजह है और कई सारी चीजें हो सकती है, बिल्कुल, मुसलमानों का नाम कई वजह हो सकती है, और ये बयानों का सिलसिला ऐसे ही जारी अब रहने वाला है। बहुत